Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Hafiz Saad Majid. Welcome to your lecture of Pakistan Studies. We are going to start Pakistan Studies of class 9th. Our first chapter is Ideological Basis of Pakistan. Pakistan ki nazriyati asas. Ye hamara pehla chapter hai. And the first topic which we are going to discuss today is definition, sources and significance of ideology. Nazriya ki tarif, maakhaz aur ahmiyat. In short, basically the topic is ideology, jisko hum Urdu mein nazriya kehte hain. Uske ye teen hisse hain, definition, sources and significance. This is first long question of our chapter. Exercise ka pehla long question hai, bahut important hai, board ke papers mein kai dafa aa chuka hua. Before properly starting the chapter and today's topic, I'd like to discuss one very important point which is mentioned in your books aur bahut dafa ye board ke papers mein as MCQ bhi pucha ja chuka hua hai. Aap logon ki books mein first line ke andar ye point mention hai that Pakistan came into existence in 20th century. Pakistan ka qiyam 20th sadi ka ek aham tarin waqia tha. On 14th of August 1947, that was 20th century. This is an important MCQ as I have mentioned. Board ke papers mein ye kai dafa pucha ja chuka hua hai, Pakistan ka qiyam kis sadi mein hua. Sometimes bache confuse ho jate hain aur mix up kar dete hain. Wo 1947 se ye consider karte hain ki 19th century hai, lekin this is actually 20th century. Ab ye humne kaise decide karna hai ki ye kaun si century hai? Bahut ek simple si calculation hai. देखिए, जब कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ तो पहला साल जो था दैट वाज ईयर 1, 1, 2, 3, 4 अप टू 100. फर्स्ट 100 ईयर्स वर द फर्स्ट सेंचुरी. उसके बाद 101, 102, 103 नेक्स्ट 100 ईयर्स जो थे ये थी सेकंड सेंचुरी. अब इसमें अगर आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी ईयर्स हैं वो सारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से 101, 102, 103 वन से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सेंचुरी सेकेंड है. इसी तरह नेक्स्ट 201, 202 एंड 203 अप टू 300 सारे ईयर्स 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सेंचुरी थर्ड है. इसी तरह नेक्स्ट आगे 301, 302 3 से स्टार्ट होंगे, लेकिन सेंचुरी फोर्थ होगी. तो इसी तरह से इसी पैटर्न पर आगे चलते जाएं, 1901, 1902, 1903 से सारे ईयर्स स्टार्ट होंगे, लेकिन सेंचुरी 20th होगी. तो अब सिंपल सा रूल ये है कि जब भी हम ईयर को देखें तो ईयर के लेफ्ट साइड के जो फर्स्ट टू डिजिट्स होंगे, जैसे 1947 है, लेफ्ट साइड के फर्स्ट टू डिजिट्स 4 एंड 7, इनको स्किप करके नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करेंगे तो वो हमारा आंसर जो है वो होगा सेंचुरी. अब जैसे 2022 है तो 22 को स्किप कर दें, 20 में 1 ऐड करें, दिस इज 21st सेंचुरी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि सेंचुरी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. अब इसके बाद आगे हमारा एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है, डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी. अच्छा, अब डेफिनेशन के हवाले से जनरली अगर बात करें, आइडियोलॉजी के लुगवी मानी, नजरिया के लुगवी मानी या डिक्शनरी मीनिंग जो है दैट इज थिंकिंग. नजरिया से मुराद है सोच. टर्मिनोलॉजिकली अगर हम कंसिडर करें तो नजरिया की डिफरेंट स्पेसिफिक डेफिनेशन हैं जो आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है. देर आर 4 स्पेसिफिक डेफिनेशन. आउट ऑफ दोज 4 आई हैव पिक्ड अप 1 जो मैंने सामने लिखी है. एन आउटलाइन ऑफ थॉट्स डिजाइंड टू अचीव एनी पर्पस इज कॉल्ड आइडियोलॉजी. किसी भी मकसद के हुसूल के लिए बनाया गया फिक्री खाका नजरिया कहलाता है. फिकर मतलब सोच, खाका यानी एक बुनियादी रफ सा एक नक्शा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर कोई भी चीज बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, एक कमरा बनाना है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने माइंड में एक प्लान बनाते हैं हम कि यह कमरा हमने किस तरह का बनाना है, दरवाज़ा किस तरफ रखना है, खिड़की किस तरफ होगी, अगर साथ वॉशरूम बनाना है तो वो किस साइड पर होगा. ये एक हमारे माइंड में एक प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका मैप बनाते हैं और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है और फाइनली एक कमरा बन जाता है. तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कमरा बनाना. उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, हम अपने माइंड में प्लान बनाते हैं. इसी तरह से एन आउटलाइन ऑफ थॉट्स, थॉट्स फिकर, फिकर जो है आपकी सोच, उसकी बुनियाद पर जो एक नक्शा बनता है, एक खाका बनता है, उसको नजरिया कहते हैं.
जैसे मैंने कहा कि देर आर फोर डिफरेंट डेफिनेशंस इन योर बुक, और डेफिनेशंस जो हैं वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट वर्डिंग का डिफरेंस है, क्योंकि एक ही चीज़ की डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट सेम है सबके अंदर। किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फिकर या नक्शा उभरता है वो नज़रिया कहलाता है, एन आइडिया, थॉट और स्केच टू ब्रिंग समथिंग इन टू एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। इसी तरह से एक और डेफिनेशन आप लोगों की बुक्स के अंदर गिवन है, किसी खास मकसद के लिए कौम की इज्तमाई सोच का एक बात पर मुत्तफिक हो जाना नज़रिया कहलाता है, कलेक्टिव थिंकिंग ऑफ अ नेशन। सबसे पहले ये चीज़, कलेक्टिव थिंकिंग ऑफ नेशन, पूरी कौम की सोच ऑन अ सिंगल एजेंडा, एक पॉइंट के ऊपर, एक बात के ऊपर आ जाती है फॉर सम पर्पस, किसी मकसद को हासिल करने के लिए, तो उसको नज़रिया कहेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जैसे मैंने साथ मेंशन किया, आपसे पूछा जा सकता है राइट डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी या डिफाइन आइडियोलॉजी, नज़रिया की तारीफ लिखें। इसके बाद आगे, एज यू पीपल कैन सी, आई हैव मेड अनदर हेडिंग, मेंट बाय और मीन्स, उर्दू में कहेंगे मुराद, नज़रिया से मुराद। अब जनरली अगर हम बात करें तो डेफिनेशन और नज़रिया से मुराद, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, बज़ाहिर सेम हैं, लेकिन यहाँ एक माइनर सा डिफरेंस है कि आपकी बुक में चार डेफिनेशंस के बाद एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन गिवन है, आइडियोलॉजी एम्प्लाइज सच अ प्लान और प्रोग्राम बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड थॉट टू सॉल्व पोलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इशूज़। ऐसा जाप्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन सियासी, माशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए मंसूबा बनाया गया हो, नज़रिया कहलाता। यानी ऐसा प्लान जो प्रॉपर थॉट आउट हो, जिसमें सारे उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, यस नोज, प्रोज कॉन्स, उसमें प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस, सारी चीज़ें सोच कर आपने एक प्लान बनाया। क्यों बनाया? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको नज़रिया कहेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि ये आपसे अगर जनरली देखें तो अगर कहा जाए नज़रिया से क्या मुराद है या कहा जाए नज़रिया की तारीफ लिखें, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में माइनर सा एक डिफरेंस है। चूंकि हमारी बुक में ये गिवन है इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, अगर पूछा जाए नज़रिया से क्या मुराद है तो उसका आंसर ये होगा। चार डेफिनेशंस जो बुक में गिवन है उसके बाद आगे दो लाइंस का एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये मैंने सामने लिखा हुआ भी है, ये आंसर होगा व्हाट इज मेंट बाय आइडियोलॉजी का, शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। इसके बाद अगला हमारा पार्ट है सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिया के माखज, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नज़रिया बनता है। देर आर टोटल 5 सोर्सेज, 5 मेजर सोर्सेज हैं इसके, ये एज MCQ आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, टोटल सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिया के माखज़ लिखें। अगर इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने 5 सोर्सेज के नाम लिखने होंगे, कॉमन रिलीजन, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। अब जनरली अगर इनको हम डिस्कस करें इन द परस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बनने में इन 5 सोर्सेज का क्या रोल था, इसको हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन रिलीजन। सबसे पहले अगर हम बात करें रिलीजन या मजहब हम कहते किसको हैं, इससे क्या मुराद है, सिंपल वर्ड्स में रिलीजन इज अ लाइफस्टाइल, मजहब जिंदगी गुजारने का तरीका है। जैसा आप लोगों की बुक्स में मेंशन किया हुआ है, रिलीजन इज नॉट ओनली अ सेट ऑफ एडोरेशंस एंड वर्शिप्स बट इट हैज़ प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स ऑन द होल ऑफ सोशल लाइफ, इंसान की पूरी जिंदगी पर, इज्तमाई जिंदगी पर इसके असरात होते हैं। सिर्फ इबादत नहीं है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तस्बीह, अल्लाह अल्लाह कर लेना, सिर्फ ये मजहब नहीं है, बल्कि मजहब हमें ये भी बताता है क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, हराम हलाल क्या है, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने हैं तो किस तरह के बनाने हैं, कारोबार करना है तो क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, और इसी तरह से मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो बताए जाते हैं। तो पूरी ज़िंदगी इसमें आ जाती है, दैट्स वाई वी कैन से दैट रिलीजन इज़ अ लाइफ स्टाइल।
अब सब कॉन्टिनेंट में अगर हम कंसिडर करें तो हिंदू और मुसलमान ये दो बड़े रिलीजियस ग्रुप्स थे, हिंदुइज्म एंड इस्लाम ये दो बड़े रिलीजन्स थे। इन 19th सेंचुरी सम हिंदू मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन सब कॉन्टिनेंट। 19वीं सदी में बरसगीर में कुछ हिंदू तहरीकें शुरू हुई जिनमें से दो का नाम आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, आर्य समाज एंड ब्रह्मो समाज। आर्य समाज और ब्रह्मो समाज ये दो तहरीकें थीं जिनका बुनियादी मकसद था टू प्रोपेगेट हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की हिंदू मज़हब की अशात, उसकी तबलीग और मुसलमानों को नीचा दिखाना, ये इन तहरीकों का मकसद था। शुरू किसने की थी? ब्रह्मो समाज शुरू की थी राजा राम मोहन राय ने, जबकि आर्य समाज स्टार्ट की थी पंडित दयानंद सरस्वती ने। ये नाम हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि ये ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था या विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय पंडित दयानंद सरस्वती। इसी तरह से ये भी आ सकता है आर्य समाज एंड ब्रह्मो समाज वर स्टार्टेड इन डैश सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में मेंशन है, साथ साथ मार्क कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आगे एक आपकी बुक में पॉइंट मेंशन किया हुआ है, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज पंडित दयानंद सरस्वती स्टार्टेड अ प्रोग्राम नेम्ड शुद्धि। उसने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको शुद्धि कहा जाता था। दैट प्रोग्राम वॉज द फोर्सेबल कन्वर्जन, जबरदस्ती मजहब तब्दील करना, मुस्लिम्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने मजहब को छोड़कर हिंदू मजहब कबूल कर लें। अब इसमें अगर जनरली हम देखें, शुद्धि हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है टू प्योरीफाई, पाक करना, शुद्ध मतलब पाक। उनका कंसेप्ट ये है हिंदुओं का कि जो हिंदू है वो पाक है और जो हिंदू नहीं है, किसी और मजहब को मानता है, वो नापाक है। तो अगर वो अपने मजहब को छोड़कर हिंदू मजहब को कबूल कर लेता है तो वो नापाक से पाक हो जाता है। दिस वॉज द मेन प्रोग्राम। अब मुस्लिम्स को ये फील होना स्टार्ट हुआ कि ये जो मूवमेंट्स लॉन्च हो गई हैं, ये जो हिंदू माइंडसेट है, इसमें हमारे लिए सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट है। हम अपने मजहब को बचाने के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हो गए हुए हैं। इन द मीन टाइम हुआ ये कि इन 1937 इलेक्शंस के बाद कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस की हुकूमतें बन गई डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर। टोटल 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट्स बनी जो 1939 तक रही थी। तो 1937 टू 1939 दिस पीरियड इज नोन एज एरा ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, कांग्रेसी वजारतों का दौर इसको कहा जाता है। हाईलाइट कर लीजिए, एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट वन, एक्सरसाइज के अंदर ये गिवन है, फर्स्ट एमसीक्यू यही है। इन गवर्नमेंट्स में ये हुआ कि कांग्रेस ने, जो बेसिकली एक हिंदू पार्टी थी, डोमिनेंट थे हिंदू उसके अंदर, उन्होंने मुस्लिम्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। उनको मुसलमान बच्चों को तिलक लगाने पर, वो जो हिंदू माथे पर लगाते हैं वो लगाने पर मजबूर किया जाता। कांग्रेस का जो झंडा था, तिरंगा जिसे कहा जाता था, उससे इस्लामी दिलवाई जाती। इसी तरह गांधी की तस्वीर को सजदा करने या इस्लामी देने पर मजबूर किया जाता। तो यहाँ मुस्लिम्स को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल गई कि अगर हिंदू पावर में आएंगे तो वो मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे या टारगेट करेंगे रिलीजियसली। दैट्स वाई मुस्लिम्स के अंदर ये थॉट डेवलप होना स्टार्ट हुआ कि अगर हम अपने मजहब पर आज़ादी से अमल चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग मुल्क बनाना पड़ेगा, और इस तरह से नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी। दूसरा पॉइंट है कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, मुश्तरका सियासी मकासद। इम्पॉर्टेंट है, किसी भी नेशन के लिए उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन सब कॉन्टिनेंट विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश अ न्यू कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस, दैट वॉज डेमोक्रेसी। जमहूरियत का तस्वर अंग्रेज लेकर आए, उससे पहले यहाँ पर जमहूरियत का तस्वर नहीं था, बादशाहतें होती थी। देर वर टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, वन मैन वन वोट एंड मेजोरिटी इज अथॉरिटी। हर किसी का एक वोट होगा, चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, अमीर है या गरीब, मर्द है या औरत, सबका एक वोट, और जिसके पास मेजोरिटी होगी वो जीत जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट वर अ माइनॉरिटी, हिंदू डोमिनेंट मेजोरिटी में थे, जिसका मतलब क्या था कि अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी नेक्स्ट गवर्नमेंट हिंदुओं की बनेगी और वो परमानेंट हिंदू गवर्नमेंट होगी, मुस्लिम्स के या किसी और रिलीजियस ग्रुप या नेशन के गवर्नमेंट में आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो
अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को पावर में लाने के लिए मुस्लिम्स ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इस सिस्टम में रहकर इकट्ठे रहते हुए हमारे लिए पावर में आना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हमें एक अलग मुल्क का मुतालबा करना चाहिए। अब इसके बाद अगला हमारा तीसरा पॉइंट जो है यह है कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मुश्तरका तालीमी मकासद। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटेन एंड सब कॉन्टिनेंट, बरतानिया के या अंग्रेजों के यहां पर आने से पहले यहां का जो एजुकेशनल सिस्टम था, जो तालीमी निजाम था बिफोर ब्रिटिश, वो डिपेंड करता था लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर, अरेबिक, पर्शियन, हिंदी, उर्दू, यहां की मकामी जुबान है। बट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम दैट वॉज बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने इंप्लीमेंट किया यहां पर, न्यू एजुकेशन सिस्टम उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। मुस्लिम्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम। क्यों? मुसलमानों का यह ख्याल था कि अंग्रेज बाहर से आए हैं, यहां पर आकर उन्होंने कब्जा किया, हमारी हुकूमत हमसे छीनी, अब उसके बाद वो हमारी जुबानें हमसे छीन रहे हैं और एक अपनी गैर मुल्की जुबान जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, इसलिए हम ये जुबान नहीं सीखेंगे। एक रिएक्शन क्रिएट हुआ, बहुत से मुसलमान उलमा जो थे उन्होंने इसके बारे में फतवे भी दे दिए। ये सारा रिएक्शन किस वजह से था? एजुकेशन की वजह से, एजुकेशनल बेस थी उसकी तालीम। तो इस लिहाज से अगर देखें तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट सोर्स है आइडियोलॉजी का। अब आगे नेक्स्ट वन है कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम कंसिडर करें तो सबसे पहले ये एक डेट यहां पर मैंने लिखी है 1857। जी बिल्कुल, आपके माइंड्स में क्लिक कर गया होगा, सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था 1857 में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम जंगे आजादी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज MCQ इसको मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, बोर्ड में आ भी चुका है इनफैक्ट, कि जंगे आजादी कब हुई। अब ये जंग किसके दरमियान लड़ी गई थी? ब्रिटिश एंड इंडियंस। जब इंडियंस कहेंगे तो दैट इंक्लूड्स हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्ध, सारे लोग जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में रहते थे वो इसमें आएंगे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स ये दो बड़े ग्रुप्स थे। आफ्टर द वॉर, जब अंग्रेजों ने जंग जीत ली, हिंदूज स्टार्टेड ब्लेमिंग मुस्लिम्स एंड दे एक्विटेड देमसेल्व्स ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदुओं ने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया कि ये सारा कुछ इन्होंने किया है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और अंग्रेज़ों ने फौरी तौर पर हिंदुओं की इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। क्यों? एक तो ये कि हिंदू मेजॉरिटी में थे, अंग्रेज़ ये चाहते थे कि वो उनको अपने साथ रखें। दूसरा ये कि अंग्रेजों के माइंड्स में ऑलरेडी ये कंसेप्ट था कि हमने मुसलमानों से हुकूमत छीनी है, अगर हमारे खिलाफ कोई भी कोशिश हुई तो वो मुसलमान ही करेंगे। इन दो रीजंस की वजह से उन्होंने मुस्लिम्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, उनके लिए जॉब्स फाइंड करना डिफिकल्ट हो गया, जो गवर्नमेंट जॉब्स ऑलरेडी उनके पास थी उनसे निकाल दिया गया उनको, बिजनेस और ट्रेड में उनके लिए हर्डल्स क्रिएट हुई। तो जब ना नौकरी मिल रही थी, ना कारोबार और तिजारत करना मुमकिन रहा था, तो मुसलमानों ने अपनी मईशत को बचाने के लिए, अपने मीन्स ऑफ सर्वाइवल को बचाने के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा करने पर गौर शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स, मुश्तरका सकाफती मकासद। सकाफत या कल्चर हम कहते हैं किसी एक मखसूस इलाके में रहने वाले लोगों का ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल, रस्म और रवाज, रहन सहन किस तरह का। और कल्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लैंग्वेज। सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ 1867 में बनारस के अंदर। हिंदुओं ने एक तहरीक चलाई जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया दैट उर्दू लैंग्वेज शुड बी रिप्लेस्ड विद हिंदी लैंग्वेज। उर्दू को ख़त्म करके उसकी जगह हिंदी को सरकारी या दफ्तरी जुबान बनाया जाए। दोनों लैंग्वेजेस में अगर देखें हम, डिफरेंस क्या है?
वर्डिंग्स, प्रोनंसिएशंस, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 75% 70-75% सेम है। मेजर डिफरेंस आता है राइटिंग स्टाइल, रस्मुल खत, लिखने का अंदाज। उर्दू जुबान लिखी जाती है अरेबिक स्टाइल में, हिंदी जुबान लिखी जाती है देवनागरी स्टाइल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज एमसीक्यू आपसे पूछे भी जा सकते हैं, मार्क कर लीजिएगा। उर्दू लैंग्वेज इज रिटन इन अरेबिक स्टाइल वाइल हिंदी लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्टाइल। अब उस मौके पर मुसलमानों ने यह सोचा कि सिर्फ इस वजह से कि अरबी मुसलमानों की मजहबी जुबान है और उसके अंदाज में ये जुबान लिखी जाती है, हिंदू इसको चेंज करना चाह रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये हिंदुस्तान में ही जुबान बनी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मुसलमानों को बराबरी की सतह पर उनके हकूक फराहम कर दें या उनको एक सेपरेट नेशन कंसिडर कर लें। इसी मौके पर सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन डिक्लेयर किया था, टू नेशन थ्योरी की टर्म इस मौके पर सामने आई थी, जिसकी बुनियाद पर फिर बाद में तहरीक पाकिस्तान सारी की सारी चली थी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कल्चरल बेसिस के ऊपर भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिवेलप हुई थी, ये एक इम्पॉर्टेंट उसका सोर्स है। यहाँ तक ये हमारे 5 सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी कम्प्लीट हो गए। यहाँ से एक जनरल शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिस्क्राइब और डिस्कस एनी 2 सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, कोई से 2 माखज की वजाहत करें। तो सिंपल है, आपने कोई से 2 पॉइंट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पर। पहले एक मैंने बताया था, सिंपली होता है राइट सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिया के माखज लिखें, उसमें आपने सिर्फ नाम लिखने हैं 5, ठीक है। जब ये होगा कि नज़रिया के कोई से 2 माखज की वजाहत करें, तो फिर आपने 2 पॉइंट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन भी करना है साथ। आगे हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिया की अहमियत। अब आप लोगों की बुक्स में ये पैराग्राफिक फॉर्म में लिखा है, लेकिन हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे और हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। मैंने यहाँ पर ये हेडिंग्स जो हैं वो मेंशन कर दी हैं, एवरी सेंटेंस विल बी अ सेपरेट पॉइंट, उसको आप हेडिंग के अकॉर्डिंगली लिखते जाएंगे। पहला होगा थिंकिंग ऑफ पीपल, लोगों की सोच, नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ पीपल, इसको मार्क भी कर लीजिए, ये एज एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आप लोगों की बुक्स में एक्सरसाइज के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स मेंशन्ड हैं, उसमें पहली ब्लैंक यही है, वो एमसीक्यू में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है लाइफ ऑफ नेशंस, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी नेशंस लुक अलाइव, जैसे जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई कदरों कीमत बाकी नहीं रहती, इसी तरह अगर किसी कौम का नज़रिया जो है वो मौजूद ना हो तो उस कौम की कोई कदरों कीमत नहीं रहती। राइट्स एंड ड्यूटीज़ या हुकूक ऑफ राइट्स, आइडियोलॉजी डिटरमिन्स द नेशनल राइट्स एंड ड्यूटीज़, आपका क्या राइट है, आपकी क्या ड्यूटी है, फ़र्ज़ क्या है, क्या काम आपने लाजमी करना है, उसके बदले में आपको क्या चीज़ मिलेगी, वो आपका हक है, ये नज़रिया डिसाइड करता। सिमिलरली आइडियोलॉजी क्रिएट्स यूनिटी, लोगों में इत्तहाद और इत्तफाक पैदा करती है। आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स द स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मकासिद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करती है और मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत देती है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं मैंने हेडिंग्स बना दी, और लास्ट वन है रेवोल्यूशन, इट इज़ द बेसिस ऑफ एनी रेवोल्यूशन, इनकलाब की बुनियाद। इनकलाब या रेवोल्यूशन क्या है, अ सक्सेसफुल एफर्ट टू चेंज समथिंग इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। आप किसी चीज़ को क्यों चेंज करते हैं, उसके पीछे एक मखसूस मकसद या सोच है, उसको नज़रिया कहा जाता। तो ये एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, मैंने साथ मेंशन कर दिया, नोट कर लीजिएगा। राइट एनी 2 पॉइंट्स, एनी 3 पॉइंट्स, 4 तक पूछे जाते हैं। राइट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिया के कोई से 2 या 3 या 4 उसकी अहमियत के नकात लिखिए। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। एंड पे ये एक छोटी सी मैंने सेपरेट हेडिंग बनाई, एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिया के अनासर। सर जी माखज और अनासर, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। माखज या सोर्स का मतलब है कि नज़रिया कहाँ से आता है, किन चीज़ों की वजह से नज़रिया जो है वो वजूद में आया है, कहाँ से निकला है।
और अनासिर से मुराद है कि किन चीज़ों के मिलने से नज़रिया बना है, उसके अंदर नज़रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी वाले पॉइंट्स में। लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो ये आपको लिखे हुए नजर आएंगे, हिस्ट्री कस्टम्स ट्रेडिशंस टेम्परमेंट साइकोलॉजी एंड रिलीजन आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। यानी किसी भी नज़रिए के अनासिर में तारीख, रिवायात, रस्म व रवाज, मिजाज, नफ्सियात और मजहब, ये अहम अनासिर हैं। मार्क कर लीजिएगा, एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, राइट एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। और लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखना है हासिल कलाम, क्या चीज़ है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। आपने बेसिकली जो टॉपिक पहले एक्सप्लेन किया सारा, उसी को दो से तीन लाइनों में अपनी वर्डिंग में कंक्लूड करना है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर्स के अंदर जो मार्किंग है उसको अगर हम पैटर्न को कंसिडर करें तो एक नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में कंक्लूजन का होता है। तो हर लॉन्ग क्वेश्चन के एंड पे आपने कंक्लूजन लाजमी लिखना है। यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। इन केस यू हैव एनी सजेशन, एनी काइंड ऑफ फीडबैक, आई विल बी वेटिंग फॉर यू पीपल। अपना फीडबैक लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।